हाय दोस्तों, सभी का स्वागत है इस टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अपना अगर किसी चीज़ का QR अगर आप क्रिएट करना चाहेंगे, जैसे QR आप हर जगह देखते हैं, हर प्रोडक्ट में देखते हैं कि QR बना होता है, तो उसको स्कैन करने से सेम प्रोडक्ट के बारे में ही बताता है, तो उसको कैसे क्रिएट किया जाता है तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बताने से पहले हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि QR आप देखे होंगे आधार कार्ड में और पैन कार्ड में, यानी जितने ही प्रोडक्ट आ रहे हैं या तो फिर गवर्नमेंट द्वारा कोई भी आपका बनाया जा रहा है सर्टिफिकेट, तो उसमें हर जगह आपको देखने को मिलेगा QR। तो उसको कैसे क्रिएट किया जाता है आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बिना स्किप किए हुए देखेंगे तभी जान पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा QR। जैसे QR आप सर्च करेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन में आएगा, जैसे देख सकते हैं QR फर्स्ट ऑप्शन में हमने जैसे क्लिक किया तो ऑप्शन आ जाता है QR कोड। तो QR कोड जो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है उसमें आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा QR कोड का कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, जिसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपका ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा आपका जो फाइल क्रिएटर्स। ठीक है, जैसे QR यहाँ पे स्कैन है, जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे क्लिक करने के बाद फ्री टैक्स में जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो आपका QR क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हैं ये साइड में आपको देखने को मिल रहा है QR आपका क्रिएट हो रहा है, वहां हमने जो जो लिख रहे हैं यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं अपना, तो उस प्रोडक्ट में चिपकाने के लिए ये आप QR सेव कर सकते हैं, और सेव करके उसको आप फोटो निकाल सकते हैं। फोटो निकालने के बाद आप प्रोडक्ट में चिपका देंगे तो आपका सारा जैसे QR स्कैनर से स्कैन होगा तो आपको देखने को मिलेगा आपका जो QR आपका क्या है। ठीक है, उसके अलावा वहां पे URL है, कॉन्टेक्ट है, फोन है, SMS है। URL मतलब जैसे क्या है, कोई भी हमने URL को कॉपी किया, देखिए हमने यहाँ पे URL कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देंगे, तो जैसे हम पेस्ट करेंगे तो वहां पे जैसे हम स्कैन करेंगे ना, जैसे यहाँ पे हमने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद ये QR आपका जनरेट हो गया URL करके, जिसे हम स्कैन करेंगे तो वो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह करके URL बना सकते हैं, कॉन्टेक्ट आप सारा डिटेल्स डाल करके कॉन्टेक्ट अपना दे सकते हैं, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कंट्री, सारा कुछ इसमें आप खुद से ये वेबसाइट में आप QR के माध्यम से आप क्रिएट कर सकते हैं। फोन नंबर जैसे आप डालेंगे, फोन नंबर ये आपका QR क्रिएट होगा, तो जो हमने फोन नंबर डाला है, तो जैसे QR हम स्कैन करेंगे ना तो वैसे आपका फोन लग जाएगा। तो ये QR का अच्छा है। SMS का है तो SMS नंबर, इंटरटेक्स, ये सारा इसमें QR को जनरेट कर सकते हैं खुद से। तो ये बहुत इजी है QR जनरेट करना। ठीक है, तो इस तरह करके आप जनरेट करना चाहेंगे तो आसानी से आप जनरेट कर सकते हैं। हमने जो जनरेट किया है आपको हम प्रूफ में भी दिखाएंगे कि किस तरह जनरेट हुआ है, और आपको स्कैन करके भी दिखाएंगे हमने किस तरह स्कैन, यानी कि जो हमने लिख रहे हैं वो वहां पे जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बहुत मजेदार ये QR, यानी कि आसानी से आप इसको कर सकते हैं। जैसे हमने सेव करने के लिए सेव का ऑप्शन ऊपर में दिया गया हुआ है, फाइल का नाम दे दें, जो आप फाइल में इसको आप डाउनलोड करना चाहेंगे आप डाउनलोड वहां पे सेलेक्ट कर लीजिए। वहां पे सबसे फर्स्ट आपका PNG और सारा है, आप सेव कर सकते हैं इस QR को। सेव करने के बाद आप ये देख सकते हैं मेरा ये QR ऑन हो गया है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप जनरेट, यानी कि आपको उसको स्कैन कीजिएगा, जो जो हमने वहां लिखा था वही वहां पे आएगा। तो बहुत आसान है QR जनरेट करना। तो अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट का जनरेट करना चाहेंगे तो आप जनरेट कर सकते हैं QR। तो दोस्तों इस तरह से आप QR जनरेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं सारा हमने, आप ये रहा सारा इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कर सकते हैं आप।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर आपको इसी तरह का वीडियो आपको टेक की जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड